अच्छा, गर्मी जो है जैसे ही जाती है और सर्दियां धीरे धीरे जब आना चालू करती है, 5 महीने टाइम होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, समझ रहे हो ना। 5 महीने में बहुत सारे लोग जिनकी बॉडी बिगड़ी हुई है वो बना लेते हैं, जो पतले हैं वो चौड़े हो जाते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जो अनफिट थे, जिनका पेट निकला हुआ था, जो अपने बॉडी से एकदम परेशान थे कि लगता है भैया पेट कैसे कम होगा, फैट कैसे कम होगा, जो चर्बी बढ़ गई है उसको कम कैसे करें, तो 5 महीने में सर्दी जो टाइम होता है इसमें अपना फैट भी आप कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बात करते हैं भैया वेट कैसे बढ़ा, वेट तो बहुत सारे लोग बढ़ाते ही है, लेकिन हमारे भाई अगर आप अनफिट हो आप फिट भी हो सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं कि भैया सर्दी के मौसम में पेट कैसे कम कर, कैसे चर्बी कम होगी। अगर आप मोटे हो, आपका फैट बढ़ा हुआ है, आप अनफिट हो, सोच रहे हो कैसे कम करें, 5 महीने का टाइम है सर्दी के मौसम में, 5 महीने मेहनत कर दो, बहुत आसान तरीका होता है, अगर फॉलो करोगे फिट हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा, बॉल मच जाएगा। सर्दी के मौसम में कैसे पेट कम करें, अपने आपको फिट कैसे बनाए, उसी बारे में बात करेंगे, बॉल मचा कर देंगे, लेट्स डू इट। सबसे पहले सवाल ये उठता है संतोष भाई, एक बात बताइए, रीजन क्या है कि हम लोग ठंडी में गर्मी ज्यादा अच्छे तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं? देखो, सिंपल सा सीधा रीजन ही है, सर्दी में दिन होता है बहुत छोटा, और बड़ा दिन रहेगा तो जो फैट वाले लोग होते हैं बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, अंड वंड कुछ न कुछ खाते ही रहेंगे जब तक संध्या नहीं होगी, तो जब ज्यादा कैलोरी इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में जाएगी तो क्या होगा, फैट बढ़ेगा। लेकिन सर्दी वाला जो दिन होता है छोटा होता है, 4-5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो कम खाने का मौका मिलेगा, जब कम खाओगे बॉडी में कम कैलोरी जाएगी, ऑटोमेटिक जो है फैट हमारा कम होने लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खाना क्या खाना है, डाइट क्या लेना, ताकि हमारा पेट कम हो जाए, फैट कम हो जाए और हम फिट हो जाए, और गर्मी में एक गुरु सिस्टम के साथ घूमे, एकदम फिट बॉडी लेके घूमे। अब मेन बात आ गई डाइट लेना क्या है, तो मेरे भाई एक काम करो, पेन ले लो, पेपर ले लो, लिख लो मैं क्या क्या बताने वाला हूं, यही फॉलो करोगे, दिन भर यही खाओगे, इसके अलावा कुछ आड़ा वाड़ा चीज नहीं पड़ोगे, तो ऑटोमेटिक आपका फैट कम होने लगेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले मील के बारे में, पहला मील होता है दिन भर का ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट हम लोग क्या खाएंगे फैट लॉस करने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका होता है सर्दी में या कोनो भी मौसम में फैट लॉस करने के लिए जो मील होती है ब्रेकफास्ट वाली, वो होती है हमारा स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या क्या होता है, जो अंकुरित होती है वो हो सकता है, चना जो अंकुरित होता है वो हो सकता है, मूंगफली जो अंकुरित होती है वो हो सकती है। तो चाहे चना मूंग, चाहे मूंगफली मूंग, चाहे सिर्फ मूंग, चाहे सिर्फ चना, चाहे सिर्फ मूंगफली, तीनों में से एक चीज है, तीनों मिला के आपको 100 ग्राम तक स्प्राउट्स ले लेना है। और स्प्राउट्स कैसे बनता है ये आप जान लो, एक दो दिन रखे रहोगे भिगोगे तो ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर नहीं अंकुरित कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लोगे, लेकिन जो अंकुरित वाला मामला होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आप अंकुरित नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या करें, ऐसे ही खा लो, फायदा तो करेगा। स्प्राउट के साथ आप क्या करेंगे, सलाद जरूर खाएंगे। सलाद में क्या होगा, खीरा, गाजर, जो भी मिल जाए, मतलब मौसमी चीज में मूली उली, तो उधर स्प्राउट्स में प्रोटीन अच्छा खासा है, उधर जो आपने सलाद काटा उसमें फाइबर अच्छा खासा है, तो देर तक हमारे पेट में रहेगा, देर तक हमें एनर्जी देगा और देर में पचेगा, तुरंत पच जाएगा, तुरंत कुछ खा लोगे आड़ा बाड़ा तो क्या होगा, फैट कम नहीं होगा। तो स्प्राउट्स हैवी होता है, लंबे समय के लिए होता है और हमारे बॉडी में जो क्वालिटी देता है ना, समझ लीजिए मजा आ जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है ब्रेकफास्ट का, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि मेरे भाई भैया ये स्प्राउट्स नहीं खाते, कहते अरे चना फना कौन खाए यार, मूंग हमको अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता और हमारे पेट में गैस वैसे बनाता है। तो ये अगर समस्या आपको हो रहा है तो ओट्स ले लीजिए या तो दलिया ले लीजिए, ठीक, ओट्स या दलिया दोनों में से कोई एक चीज, न्यूट्रिशन घूम फिर के सेम ही होता है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 100 ग्राम या तो ओट्स या तो 100 ग्राम दलिया, ठीक, दूध में थोड़ा बनाओ और ज्यादा चीनी मत डालना, मीठा खाने के चक्कर में पड़े हो क्या, तो ओट्स या दलिया बढ़िया से पकाओ, थोड़ा सा एक चम्मच घी हो तो घी डाल लेना उसमें, नहीं तो कोनो बात नहीं है। और जैसे ही आपका ओट्स या दलिया तैयार हो गया, ऐसे ही नहीं खाना है, कोई एक फ्रूट चाहिए गुरु, या तो एक केला, या तो एक सेब, या तो अनार के दाने उसमें डाल के मार ही दो। अब आ गए सबसे मेन चीज, दूसर का मील, दिन भर में दूसर का बार हम लोग खाना खाएंगे, लंच बोलते हैं उसको, दोपहर में, मतलब 12 से 3 बजे के बीच में आप क्या खा रहे हैं, दो रोटी लेना है, दो रोटी हाँ, और उसके साथ थोड़ा चावल, बहुत पलरा हुआ चावल नहीं लेना, जो भी घर पे सब्जी बनी हो या दाल बनी हो वही ले पाओगे, तुम्हारे अलग से कोई यहाँ सिस्टम तो बनेगा नहीं। अभी 70% तुम्हारा खाना है, 30% के लिए तुम्हें सलाद काटना पड़ेगा, एक खीरा काटो, एक प्याज काटो और थोड़ा सा गाजर काटो, थोड़ा सा मूली काटो, गाजर नहीं मिले हटाओ, मूली काटो, ठीक। सलाद में जो सस्ती चीज मिल जाए, एक कटोरा सलादवा भर दो, एक कट्टा रोटी खा, 5-6 सलादे मार दो, एक कट्टा रोटी खा, मार सलाद सलाद धड़ 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 धड़, जितना सलाद खाओगे उतना फाइबर तुम्हारे बॉडी के जाएगा, जितना फाइबर तुम्हारे बॉडी में जाएगा उतने लंबे समय तक तुम्हारे बॉडी में फाइबर पड़ा रहेगा और तुरंत भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा पेट कम करके एकदम सिस्टम में बना देगा। तो लंच ऐसे कर सकते हो, बहुत बवाल चीज है। अब आ गई अंधेर नगरी वाला खाना, अंधेर नगरी वाला खाना मतलब गुरु डिनर में क्या खाए, मतलब जो रात खाना होता है भैया उसमें क्या खाए, रात में ही लतेर पंथाई होती है, मार्केट गए, दुई पापड़ या चाउमीन या नूडल्स या बर्गर पिज्जा खाने के चक्कर मत पड़िए, हाथ जोड़ रहे गोल्डिंग को मारे जूता, क्या खाना
खाना है समझो, 4 से 6 अंडा, उसका बीच वाला नहीं खाना है, उसको फेंक देना, सफेद सफेद वाला भाग ही खाना, यही में अच्छी क्वालिटी प्रोटीन होता है, इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता है। तो 4 से 6 एक व्हाइट खाना है, बीच वाला फेंक देना है, कुत्ता उत्ता उसको दे देना, वो भी खा के मस्त हो जाएगा, आपको प्रोटीन मिल जाएगी। अगर आप वेज हो, वेजिटेरियन हो, शाकाहारी भैया हो आप, तो शाकाहारी भैया सुनो, तो अंडा मत खाओ, अंडा खा लोगे मांसाहारी हो जाओगे, तो शाकाहारी फायदा क्या हो। 100 ग्राम बट्टा, बटर नहीं, पनीर यार, 100 ग्राम पनीर लो दुकान पर जाके, क्योंकि दूध से हार्ड होता है पनीर, मस्त होता है चीज, पनीर लो 100 ग्राम, उसके साथ 1 केला या 1 सेब, ज्यादा केला मत खाना, केला में फैट बढ़ाता है, क्योंकि भाई फैट लॉस कर रहे हैं, केला खाओगे ज्यादा कार्ब मिल जाएगा, तो केला तो हटा के भैया ले लो, सेब कोई भी एक फ्रूट उसके साथ खाओ, पनीर और फ्रूट जा रहा है अंदर, पनीर जो स्लो डाइजेस्टिव है, फ्रूट जाएगा थोड़ा सा उसको और अच्छा कर देगा, तुम्हारे बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से पच जाएगा, तभी आपका मसल बच पाएगा, नहीं तो आप मसल बचा नहीं पाएंगे, फैट लॉस करेंगे, बीमार लगने लगेंगे। तो रिक्वेस्ट यह है कि डिनर में इतनी चीज ले लो, लास्ट ऑप्शन रखना खाने का, नहीं तो अंडा या पनीर वाली चीज लेना। अच्छा, मेन मैटर ही फंसता है भैया, 3 ही मील आपने बताया, 3 ही बार दिन में खाना खाना, बीच में भूख लगी तो क्या करेंगे, कुछ मत करना, या तो खीरा खा लो, या तो गाजर फाजर खा लो, और ये भी नहीं मिल रहा तो सेब खाओ, दबा के सेब खाओ, आड़ा बड़ा पैकेट हर चीज, रोटी चावल फावल खाओगे ना, तो भैया तुम्हारा क्या होगा ना, पूरी डाइट का भ्रष्ट हो जाएगा। 3 मील लेना, जब भूख लगे तो ये सब खाना बस। अब आगे अगली चीज, आपने खाना तो बढ़िया खा लिया, लेकिन भैया एक्सरसाइज भी जरूरी है ना, इंजन में जब तेल चला गया, मतलब गाड़ी में तेल चला गया, तो चलाने का भी आना चाहिए ना, 60% डाइट, 40% एक्सरसाइज, 60% तो आपने उखाड़ लिया, 40% और उखाड़ना है, उसके लिए मेरे भाई एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम जा सकते हो जिम जाओ, घर पे कर सकते हो घर पे करो, दुनिया कोनो कोने में तुम्हारे ऊपर डिपेंड, तुम कैसे एक्सरसाइज करना चाहते हो, हमारी बॉडी मांगती है एक्सरसाइज, वो जिम नहीं बोलती, उसे आप कहीं भी ले जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करने का ट्राई करें, उसमें भैया कम से कम आधे घंटे आपको कार्डियो करना है। कार्डियो क्या होता है, या तो आधे घंटे रनिंग कर दो, या तो आधे घंटे वॉकिंग कर दो, या तो आधे घंटे साइकिलिंग कर दो, या तो आधे घंटे रस्सी कूद कर दो, या तो आधे घंटे जंपिंग कर दो, जो भी आपको करना हो, आधे घंटे कुछ ना कुछ करना इन चीजों में से। ये जब करोगे ना, सांस आपकी ज्यादा फूलेगी, हार्ट बीट ज्यादा बढ़ेगी, ये हमारे हार्ट के लिए, देखो बहुत सारे लोग हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये सब करोगे ना, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम सही हो जाएगी, कभी नहीं होगी, तुम्हारा ब्लड एकदम फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी में कैलोरीज बर्न होगी, जब कैलोरीज बर्न होगी आपका फैट भी कम हो जाएगा। आधे घंटे आपने कार्डियो किया, आधे घंटे वेट ट्रेनिंग करो, वजन उठाना है गुरु, घर पे कर रहे हो तो पुशअप मारो, पुलअप मारो, स्क्वाट मारो, डंबल फंबल से मारो, ये नहीं कर सकते अगर घर पे, जिम आप जा रहे हैं, जिम जाइए, वहां पे भैया क्या करो, डंबल से वहां भी मारिए, मशीन ही चाहिए, वेट उठाइए, लोहा उठाइए, हर एक एक्सरसाइज करिए आधे घंटे में, 40 मिनट में, लेकिन आधे घंटे कार्डियो इज फर्स्ट, इज मस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियो 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 फैट लॉस के लिए। और अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो मेडिटेशन जाइए, श्री राम हर हर महादेव, योगा वोगा कर सकते हो ठीक, लेकिन कार्डियो और वेट ट्रेनिंग के साथ ही सब चीज ऐड करोगे तो मजा बन जाएगा जिंदगी का। अब आ गए अंतिम चीज के बारे में, अंतिम चीज मेरे भाई, ठंडी में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि होठ फटा हुआ, क्योंकि स्किन फटी जाते, क्योंकि बॉडी रुसियान बका है, काहे पानी कम पी रहे हो, तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, मैंने 20 बार बोला है ठंडी गर्मी काहे मतलब है, बॉडी की नीड जो उसे पूरा करो, 3 से 4 लीटर पानी में पीना ही पीना, पानी पियोगे वैसे भी पेट भरा रहेगा, तो फालतू भूख नहीं लगेगी और आपकी बॉडी हरी भरी रहेगी, और आपका फैट लॉस कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, आपका फिटनेस गोल जो भी हो अचीव करने में पानी हेल्प करेगा, तो पानी समझौता नहीं, 3 से 4 लीटर पानी चाहे जो मौसम हो पियो, और फ्रिज का पानी अवॉइड करो, बीमार हो जाओगे, पूरा फैट अपने आप ही कम हो जाएगा, लेकिन कमजोर हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, बुढ़ोती आ जाएगी। इतनी चीजें फॉलो कर लो आपके ठंडी में, आपका पेट कम करने से दुनिया को ताकत रोक नहीं पाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो, क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, मत काहे नहीं कियो, कर लो ना, लाल रंग का बटन हमारे धड़ से सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए का नाम है, कहां से हो और कितने दिन से हमारा वीडियो देख रहे हो। हर हर महादेव भैया।